अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बल स्मोक फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। वजन कम करना चाहते हैं आप लोग और फिर भी कम नहीं हो रहा। देखिए जी, जो भूख लगाने वाले हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करना होगा। जब तक उनको बैलेंस नहीं करेंगे भूख तो ज़्यादा लगती रहेगी। अब भूख पे तो कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, तो भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स जो हैं उनको एतदाल पे लेके आए, उनको नॉर्मल करें। उनको नॉर्मल करने के लिए मेरे मुख्तलिफ लेक्चर हैं, आप मेरे चैनल पे इसको सर्च कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जजाकल्ला। अब आया कि जी हम भूख को कम कर लिया है और फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, जस्ट गंदम के आटे की रोटी छोड़ दें, वेट इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं, कम होगा। जस्ट गंदम के आटे की रोटी की बात कर रहा हूँ। सेकेंड, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, मीठा, कोक शोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये वो, इनसे परहेज कर लें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों का वजन बढ़ जाए, बल्कि नीचे आएगा। जस्ट इन बातों पे अमल करके सिर्फ एक छोटी सी टिप दूंगा, छोटी सी। क्या करना है, बाजरे की आटे की जो रोटी है वो खानी शुरू कर दें, वजन इंशाल्लाह फौरन नीचे आएगा। गंदम की रोटी नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं लेना, जंक फूड नहीं लेने, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें उनका इस्तेमाल नहीं करना, लाइक चावल वगैरह और गंदम की रोटी, तो इंशाल्लाह वज़न नीचे आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप आजमाएं। और जिन लोगों का वेट नीचे आए वो लाजमी यहाँ वीडियो के कमेंट्स में आके लाजमी कमेंट करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आया कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।